प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के तृतीय खंड में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय प्रारंभ किया है और इस सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के अंतर्गत हमने आपको दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए जरूरी है, यानी कि उनके बिना हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को नहीं समझ सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सामाजिक स्तरीकरण की जो अवधारणा है वो परिस्थिति की अवधारणा पर आधारित है। जिसका अध्ययन हमने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी पुस्तक के द्वितीय खंड में हमने कर लिया है, परिस्थिति एवं भूमिकाओं के अध्याय के अंतर्गत। परिस्थिति स्तरीकरण के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा पूरी तरह से परिस्थिति की अवधारणा पर आधारित है। इसलिए जब तक हम लोग परिस्थिति को नहीं समझ सकते तब तक सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को समझना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण जो है परिस्थितियों के क्रमविन्यास को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। एक बार हम पिछली दो तीन क्लासेज में हमने जो बातें की हैं उनको संक्षिप्त में दोहराएंगे, उसके पश्चात हम लोग आज सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और तत्पश्चात सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। उससे पूर्व एक बार मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं परिस्थिति के बारे में। जब हम परिस्थिति का अध्याय देख रहे थे तब हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं समाज में जिसका कोई ना कोई पद नहीं हो, उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय भाषा में प्रस्थिति कहा जाता है, स्टेटस कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पद पर आसीन है, उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय भाषा में प्रस्थिति कहा जाता है। और वहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि प्रस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रस्थिति होती है और दूसरी अर्जित प्रस्थिति होती है। शास्त्रीय भाषा में प्रस्तुति कहा जाता है। प्रस्तुति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त प्रस्तुति है और एक अर्जित प्रस्तुति है। प्रदत्त प्रस्तुति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रयत्न मेहनत नहीं करता है, जो व्यक्ति को स्वतः ही जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार की प्रस्तुति को प्रदत्त प्रस्तुति कहा जाता है। जबकि अर्जित प्रस्तुति वह है जिसको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करता है, उस प्रकार की प्रस्तुति को अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। इसलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद है, चाहे उसके पास अर्जित परिस्थिति नहीं हो लेकिन उसके पास प्रदत्त परिस्थिति तो है ही, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः ही मिल जाती है, जिसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे स्त्री या पुरुष होना, लड़का या लड़की होना, किसी जाति का सदस्य होना, किसी धर्म का सदस्य होना, किसी का नातेदार होना, किसी का पड़ोसी होना, ये ऐसे पद है जिनको व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रदत्त प्रस्तुति तो प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अब इन प्रदत्त प्रस्तुति प्राप्त व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के आधार पर कुछ पदों को प्राप्त कर लेते हैं, उसको अर्जित प्रस्तुति कहा जाता है। जैसे शिक्षक होना, सिपाही होना, नेता होना, अभिनेता होना, ये ऐसे पद हैं जिनको व्यक्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार समाज में अनेक प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई पद होता है, समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक व्यक्तियों के पास अनेक पद होते हैं, ठीक है। इन्हीं पदों का समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था में जमे होना समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, क्योंकि समाज में कुछ पद ऐसे होते हैं जो उच्च होते हैं, कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं, कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं, कुछ परिस्थितियां मध्यम होती हैं। ये परिस्थितियों के समूह ऊपर से नीचे या नीचे से क्रम में जचे हुए होते हैं, इसी को परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है। और नॉर्थ ने इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। एक तो महत्वपूर्ण बात हमने आपके साथ यह की थी, जब हम लोग परिस्थिति की बात करते हैं तत्पश्चात गत सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय में हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि एक तो सामाजिक विभेदीकरण होता है और एक सामाजिक स्तरीकरण होता है। सामाजिक विभेदीकरण दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत विभेदीकरण होता है, एक सामाजिक विभेदीकरण होता है। व्यक्तिगत विभेदीकरण है जो व्यक्ति व्यक्तियों के बीच देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो सकता है,
कोई व्यक्ति सांवला हो सकता है, कोई किसी व्यक्ति की लंबाई ऊंची हो सकती है, कोई व्यक्ति बोना हो सकता है, कोई बहुत हेल्थी शक्तिशाली हो सकता है, कोई दुबला पतला कमजोर हो सकता है। इस प्रकार की भिन्नता हमको व्यक्ति व्यक्तियों के बीच में देखने को मिलती है सोसाइटी में, इसको व्यक्तिगत विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, जबकि ऐसे ही कुछ भेद हमको समूह में भी देखने को मिलते हैं जिनको सामाजिक विभेदीकरण कहा जाता है। और नॉर्थ की हम लोग बात कर रहे थे तो नॉर्थ एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक विभेदीकरण के चार आधारों की बात की। पहला उन्होंने बताया प्रकार्य के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है, यानी कि विभेदीकरण का आधार प्रकार्य है, दूसरा संस्कृति, तीसरा रुचि और चौथा कर्मविन्यास। तो ये सामाजिक विभेदीकरण के चार आधार नोट ने प्रस्तुत किए जिनमें कहा था कि प्रकार्य के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य हैं, जिन लोगों के समान कार्य उन्होंने अपने खंड या समूह में बना लिया है। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है, इसलिए संस्कृति के आधार पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। एक ही समाज में अलग अलग समय में हमको अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, तो संस्कृति के आधार पर भी समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं, तो रुचियों के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है। और सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार की चर्चा कर रहे थे क्रम विन्यास। क्रम विन्यास क्या है? वो प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास है। और हम बात कर रहे थे कि प्रस्तुतियों के क्रम विन्यास आधे समाज में जिन लोगों की प्रस्तुति समान होती है वे एक प्रस्तुति समूह बना लेते हैं। सोसाइटी में जिन लोगों की प्रस्तुति एक समान है वे अपना एक प्रस्तुति समूह बना लेते हैं। तो ये जो ग्रुपेज जो खंड प्रदर्शित किए गए हैं ये वे लोग हैं जिनकी प्रस्तुति लगभग समान है, आप इसको प्रस्तुति समूह कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तुति समूह या प्रस्तुति समूह या प्रस्तुति समूह है। आप कहेंगे कि सर ये प्रस्तुति समूह उच्च क्यों है? तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि उस समाज के सामाजिक मूल्य ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी प्रस्तुति उच्च होगी और कौन सी प्रस्तुति निम्न होगी। इसके अलावा भी टालकट पास ने कुछ छह कारक प्रस्तुत किए थे, आधार प्रस्तुत किए थे जो कि व्यक्ति की प्रस्तुति को निर्धारित करते हैं, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण उस समाज के सामाजिक मूल्य निर्धारित करेंगे कि कौन सी प्रस्तुति उच्च होगी कौन सी प्रस्तुति निम्न होगी। तो इस प्रकार जिन लोगों की प्रस्तुति समान होती है वे लोग अपना एक प्रस्तुति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार उच्च प्रस्तुति वाले लोगों का समूह है, उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को प्रस्तुति का क्रम विन्यास कहा गया था। ठीक है, और इसी प्रस्तुति को क्रम विन्यास को नॉर्थ ने सामाजिक स्तरीकरण कहा है। हम नॉर्थ के बताए गए सामाजिक विधिकरण के आधार के बाद पुनः चर्चा करें तो ऊपर वाले जो तीन आधार हैं प्रकार्य संस्कृति और रुचि और विभेदीकरण का जो चौथा आधार है क्रम विन्यास, तो ऊपर वाले तीन आधारों में और चौथे आधार में फर्क है। ऊपर वाले जो तीन आधार हैं प्रकार्य रुचि और संस्कृति उनमें हमको किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का आभास नहीं होता, जबकि सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है जिसको कि क्रम विन्यास कहा गया है जो कि प्रस्तुति का क्रम विन्यास है, उसमें हमको लगता है कि कुछ प्रस्तुति समूह उच्च है, कुछ प्रस्तुति समूह निम्न है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास कहा जाता है और इसी प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास को नॉर्थ के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तत्पश्चात हमने टालकट पार्सन्स ने जो सामाजिक प्रस्तुति निर्माण के कुछ आधार बताए थे, छह आधार बताए थे टालकट पार्सन्स ने। पहला नातेदारी समूह की सदस्यता, दूसरा व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, तीसरा अर्जित उपलब्धियां, चौथा द्रव्यता, पांचवा सत्ता और छठा शक्ति। ठीक है, इन यानी कि प्रस्तुति निर्धारण के आधार का मतलब समाज में कौन व्यक्ति उच्च प्रस्तुति को प्राप्त करेगा। मान लीजिए कि ये समाज की संरचना है, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण को देखने को मिलता है, ये लोग सबसे उच्च है और ये लोग सबसे निम्न है। ये लोग सबसे उच्च क्यों है, इसके निर्धारण के आधार क्या है, इसको प्रस्तुति निर्धारण का आधार कहा गया कि समाज में सबसे सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति है इसका मतलब उसकी प्रस्तुति उच्च है, जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है उस व्यक्ति की प्रस्तुति। तो ये प्रस्तुति निर्धारण के आधार हमने बताए थे। ठीक है, नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, अर्जित उपलब्धियां,
द्रव्यचार, सत्ता और शक्ति। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण डार्केट प्रोसेस ने खुद स्वीकार किया है कि इन सबसे महत्वपूर्ण उस समाज के सामाजिक मूल्य निर्धारित करेंगे, उस समाज के सामाजिक मूल्य परिस्थिति को निर्धारित करेंगे कि इस परिस्थिति का समाज में उच्च स्थान होना चाहिए और ये परिस्थिति समाज में निम्न स्थान पर होनी चाहिए। ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की बात करेंगे और ये जो तमाम बातें मैंने आपके साथ दोहराई है इसका एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय जो है आपके प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र दृष्टिकोण से संपूर्ण समाजशास्त्र की पुस्तकों में एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके लिए इसकी आधारभूत जानकारी, इसके बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये सारी बातें मैंने आपको एक बार पुनः दोहराई है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की बात करें, सामाजिक स्तरीकरण की हम पांच विशेषताओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है वो है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में ही देखने को मिलता है, समाज से बाहर सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिलेगा। नंबर दो, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, ठीक है, यानी कि बहुत पुराना है। पहला, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। दूसरा विशेषता, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है यानी कि पुराना है, सब समाजों में देखने को मिला है, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में भिन्नता रही है, यानी कि समय के साथ अलग अलग समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप अलग अलग रहे हैं। कभी वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिकरण रहा है, कभी जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिकरण, कभी वर्ग व्यवस्था के आधार पर, किसी समय दास प्रथा के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था और कुछ यूरोपीय समाजों में जागरूक के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण रहा है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता जिसका भी जिक्र हमने किया कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, इसका मतलब यह कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, लोग ऊंचे नीचे हों ये नहीं है, बल्कि समूचे समाज की भूमिका भी देखा जाना चाहिए सामाजिक स्तरीकरण को। अनेक व्यक्ति जब एक से सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करते हैं, तथा परस्पर एक सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान को अंगीकार करते हैं, तभी समाज में सामाजिक स्तरीकरण संभव हो पाता है, अन्यथा सामाजिक स्तरीकरण संभव नहीं हो पाता। इसका मतलब सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, और सामाजिक प्रकृति होने का मतलब जो समाज के अनेक लोगों के द्वारा अंगीकार किया जाए, जिसको समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करें, इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण कोई आज की व्यवस्था नहीं है। इसके जैसा कि हम लोग आगे बात करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिलता हो, ठीक है। पुरातन इसका मतलब समाज में स्तरीकरण हर काल में रहा है। प्राचीन काल में स्तरीकरण का आधार जन्म से तथा जिसके अनुसार महत्वपूर्ण पदों का वितरण जन्म के आधार पर होता था, जबकि आधुनिक काल में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ रहा है, अतः अधिकांश पद योग्यता के आधार पर वितरित किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा पुरातन का मतलब पुराना है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिला हो। हाँ, उसके स्वरूप में भिन्नता हो सकती है, अलग अलग इतिहास उठाकर देखें तो रहा सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न भिन्न रहा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण है रहा है, वर्तमान में भारतीय हिंदू समाज की अगर बात करें तो जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण, पश्चिमी समाजों की बात करें तो वर्ग व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण, प्राचीन समाज में दास प्रथा के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था और कुछ यूरोपीय समाजों में जागरण के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण रहा है, लेकिन रहा प्रत्येक समाज में है, ठीक है। वर्तमान समाज की अगर हम बात करें तो वर्तमान समाज में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाने लगा आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में, इसलिए अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है और जो महत्वपूर्ण जो पद है वो उस पद के योग्य व्यक्ति को ही मिल पाते हैं। अगली इसकी विशेषता की जहां तक बात है कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, इतिहास उठाकर हम लोग देख ले, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिला हो। हाँ, पुनः एक बार हम आपको दोहरा दें कि उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहा प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में समाज अलग अलग खंडों में विभक्त नहीं रहा। स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है, भले ही इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। समाजशास्त्री समाज में जहां सिद्धांत समाजशास्त्री
सॉरी समाजवादी समाजों में जहां इस तरीके से देखा गया है शक्ति प्रतिष्ठा व सत्ता के आधार पर इन समाजों में व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थितियां मिलती हैं और इस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण वहां स्वतः ही देखने को मिलता है। ठीक है, पद प्रतिष्ठा, क्योंकि आपको बताया गया कि स्थिरीकरण का मतलब समाज का अलग अलग स्ट्रेटम में अलग अलग स्तरों में विभक्त होना है, विभेदित होना है। उसके आधार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधार वो समाज के सामाजिक मूल्य, उस समाज के सामाजिक मूल्य किन बातों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, किसी व्यक्ति में या किन्हीं व्यक्तियों के समूह में वे सामाजिक मूल्य कूट कूट के भरे होंगे, उन उस व्यक्ति की या उस प्रस्तुत समूह के लोगों का सामाजिक स्थिरीकरण में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा और सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रत्येक समाज में सामाजिक स्थिरीकरण है, ऐसा कोई भी समाज नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूपों में भिन्नता देखने को मिलती है, भिन्नता गीत है, क्योंकि अगर हम भारतीय समाज की बात करें, भारतीय हिंदू समाज की रहा प्रत्येक समाज में है, इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि साहब प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय हिंदू समाज चार खंडों में विभाजित था, जिसमें यह माना गया कि संपूर्ण भारतीय समाज चार खंडों में विभाजित है, ऊपरी वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज समाज की स्थिरीकरण था, लेकिन आगे जाकर वर्ण व्यवस्था का खात्मा हुआ, वर्ण व्यवस्था समाप्त हुई और भारतीय समाज, भारतीय विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई और सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समाज तक की जाति व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण देखने को मिलता है। भारतीय समाज जाति के आधार पर अलग अलग विभेदों में, अलग अलग खंडों में विभक्त है, यानी कि इसके स्वरूप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रहा प्रत्येक समाज में है सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, इसका मतलब सामाजिक स्थिरीकरण से सामाजिक असमानता होती है। ये जो ऊंच नीच है, इस ऊंच नीच का मतलब क्या है, एक तरह का भेदभाव है, एक तरह की स्वच्छील है, स्वच्छूत है, एक तरह की असमानता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण के सामाजिक परिणाम होते हैं, इसका मतलब ये कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज में असमानता को पैदा करता है, ठीक है, भेदभाव को पैदा करता है, ऊंच नीच को पैदा करता है। शक्ति संपत्ति मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक संतोष की समानता के प्रभाव के दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो जीवन के अवसर और दूसरा जीवन शैली। जीवन के अवसरों के अंतर्गत बच्चों की मृत्यु, शारीरिक व मानसिक बीमारियां, वैवाहिक संघर्ष व तलाक जैसे कारक हैं, जबकि जीवन शैली के अंतर्गत पड़ोस है, मकान की स्थिति है, मनोविनोद के साधन है, माता पिता बच्चों के बीच संबंध, पढ़ने लिखने वाली पुस्तकों की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, टीवी देखते आदि, यानी कि ये सारी चीजें ये निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में कहां फिट होगा। और इस सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम सामाजिक होते हैं कि इसके कारण समाज में असमानता, भेदभाव, स्वच्छूत, अंतर्जातीय देखने को मिलती है, क्योंकि समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, ठीक है। लेकिन इतनी असमानताएं होने के बावजूद भी, अगर हम लोग विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज की बात करें, तो इतनी असमानताएं होने के बावजूद भी प्राचीन समाज से लेकर वर्तमान समाज तक भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण चल रहा है और आगे भी हो सकता है कि जिस आगे हो सकता है कि जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का खात्मा हुआ और वर्णों से संबंधित जातियां बनी, क्योंकि वर्तमान समाज में हम देखें तो जाति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उस जाति के परिवर्तन के आधार पर हमको ऐसा आभास होता है कि ये जाति आगे जाकर वर्णों में रूपांतरित हो जाएगी। तो हो सकता है कि जाति का भी खात्मा हो जाए जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का खात्मा होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ आभास होता है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाति भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसके समाप्त होने की संभावना नहीं है। भले ही हमको ऐसा आभास होता हो कि जाति के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जाति के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं समझे कि यह जाति वर्गों में रूपांतरित हो रही है। आगे जाकर जो भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, आगे जाकर वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण का आधार हो जाएगी, ऐसा हम लोग आसानी से नहीं कह सकते। तो ये सामाजिक स्थिरीकरण किससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक व्यक्तिगत विभेदीकरण और सामाजिक विभेदीकरण की बात की, नोट के वर्गीकरण की बात की, स्मरण कार्य परिस्थितियों का क्रमविन्यास सामाजिक विभेदीकरण का आधार परिस्थितियों का क्रमविन्यास है, तो वही सामाजिक स्थिरीकरण है। उसके पश्चात आलकट पार्सन्स ने जो परिस्थिति निर्धारण के आधार की बात की चर्चा किया, तत्पश्चात हमने सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताओं की बात करी। अगली क्लास में हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय देखेंगे जो कि सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत है, जिसमें हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप क्या क्या है, विभिन्न समाजों में विभिन्न कालों में सामाजिक स्थिरीकरण किन किन रूपों में रहा है। थैंक यू वेरी मच।